बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान इन दिनों जहां एक तरफ अपने कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 13 को लेकर सुर्खियों में हैं, वहीं उनकी फिल्म दबंग 3 को लेकर भी काफी चर्चाएं हैं। फैंस भी फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। इस फिल्म के अब तक कई पोस्टर सामने आ चुके हैं। बीते दिन भी फिल्म का एक मोशन पोस्टर सामने आया था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सलमान खान की दबंग 3 के अलावा भी लोगों को एक्साइटमेंट है उनकी अगली फिल्म के अनाउंसमेंट की। वहीं इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि सलमान खान अपने फैंस को सरप्राइज देना कभी नहीं भूलते हैं। उनके इस मोशन पोस्टर में भी उन्होंने अपने फैंस को जबरदस्त सरप्राइज दिया है, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी अगली फिल्म राधे की, जिसका फर्स्ट लुक इसी मोशन पोस्टर के आखिर में देखने को मिला। इस पोस्टर में सलमान लेदर जैकेट पहने हुए हैं और उनकी कलाई में बीइंग ह्यूमन वाला फेमस ब्रेसलेट है, जिसे देख के साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि राधे भी एक एक्शन पैक्ड फिल्म होगी। इसे शेयर करते हुए सलमान ने लिखा, आप ही ने पूछा था दबंग 3 के बाद क्या, कब और कहां, ये लो जवाब। आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर भी फिल्म के पोस्टर को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोगों के रिएक्शंस देख कर कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी फेस्टिवल में सलमान अपने फैंस को तोहफा देना नहीं भूलते हैं, फिर चाहे वो क्रिसमस हो या फिर ईद। रिपोर्ट्स की माने तो राधे में एक बार फिर दिशा पाटनी और सलमान खान की जोड़ी नजर आ सकती है, जो कि इससे पहले फिल्म भारत में साथ में नजर आ चुके हैं। बताते चलें कि फिल्म राधे को दबंग 3 की तरह ही प्रभु देवा ही डायरेक्ट करेंगे। वैसे आपको पोस्टर में सलमान का फर्स्ट लुक कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। गुड इवनिंग। तो ये है साई मांजरेकर। दबंग, यस दबंग। ये बहुत अच्छी है इसलिए दबंग 3 में, लेकिन फादर दबंग 1 में थे, अब बेटी है दबंग 3 में। जी बहुत अच्छा है, घर के बहुत ही नज़दीक है, पास है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को बहुत दूर उठ के जाना पड़ रहा था आईफा में परफॉर्म करने के लिए। सबको सिर्फ मुझे ही नहीं, अभी भी घबराहट होती है परफॉर्म करने में, अभी बहुत घबराहट होती है। जो परफॉर्मेंस जिसके लिए एक्साइटेड था वो कटरीना कैफ का परफॉर्मेंस था, वो देख चुका हूँ और बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, बहुत ही शानदार, खूबसूरत। जी हाँ, लोगों ने उस पोस्टर को काफ़ी पसंद किया है। आई फील वेरी प्रिविलेज्ड टू बी हियर, इनके वजह से ही मैं यहाँ पे आ सकती हूँ, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। यू नो स्ट्रेंज थिंग इज दैट कुछ सालों पहले, बहुत सारे सालों पहले, सोनाक्षी भी आईफा में ही इंट्रोड्यूस हुई थी ऑन अ रैंप, एंड टुडे इट्स या और मेरा उसी तरह से बुलंदियां पाई नहीं है। जी उसी तरह से बुलंदियां पाई नहीं है जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, पिक्चर क्लब नहीं करूं। इंशाल्लाह नहीं बन रही है, इंशाल्लाह कुछ और बनेगी, मेरे साथ तो नहीं बन रही अभी।
जी हाँ, उसका एक डिजिटल पिक्चर या टीजर जो भी है वो आ चुका है और काफ़ी अप्रिशिएट हुआ है, तो अभी आते रहेगा और 20 दिसंबर को फिल्म रिलीज है। ट्रेलर भी बहुत जल्दी आ जाएगा, तो अब आप इनको भी अभी टीवी पे और सोशल मीडिया और पर्दे पर देखो, तो बहुत अच्छा काम किया है। जी हाँ, अभी हो जाएगी बिग बॉस की शुरुआत, बिग बॉस सीजन 13। ईद पर आएगी पिक्चर, जरूर आएगी पिक्चर, जरूर आएगी। अभी तो पहले दिसंबर में आएगी 20 तारीख को, उसके बाद ईद पर ही आएगी।